जिला एवं सत्र न्यायाधीश सर्किट बेंच ज्वाली ने एक अहम फैसला सुनाते हुए पिता की हत्या करने के आरोपी बेटे शमशेर सिंह को दोषी मानते हुए उसे उम्र कैद व 10,000 रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई है। सहायक जिला न्यायवादी भूपेंद्र कटोच ने जानकारी देते हुए बताया कि 20 अप्रैल 2017 को दियाणा गांव में एक बेटे ने बरामदे में सो रहे अपने पिता सूरम सिंह पर तेज धार हथियार से वार कर दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर अवस्था में सूरम सिंह को टांडा मेडिकल कॉलेज में इलाज हेतु रेफर किया। यहां सूरम सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिस पर पुलिस ने मृतक की पत्नी मंगती देवी के बयानों के आधार पर उसके बेटे शमशेर सिंह पर धारा 302 के केस दर्ज किया था। इसके उपरांत 15 जुलाई 2017 को पुलिस ने कोर्ट में धारा 302 के तहत शिकायत पत्र दाखिल किया। आज अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सर्किट बेंच ज्वाली के जज कृष्ण कुमार ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी शमशेर सिंह को उम्र कैद तथा 10,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री ने की। महिला मंगती देवी ने पुलिस स्टेशन में आके ये रिपोर्ट लिखाई 20 अप्रैल 2017 को कि उसके पति पर उसके बेटे शमशेर सिंह ने किसी तेज धार हथियार से हमला किया था और इसके बयान के आधार पर पुलिस ने केस रजिस्टर किया था तथा दुराने इलाज उसके पति की मृत्यु हो गई थी और बाद में 302 IPC के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जो मुकदमा जिला सत्र न्यायाधीश 2 की कोर्ट में चल रहा था, जिसका फैसला कैंपेट ज्वाली में कल हुआ था, जिसमें दोषी को तथ्य सबूतों के आधार पर दोषी मानते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी तथा 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। इस केस की पैरवी जिला उप न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री जी कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।